ऐसा कुछ नहीं था, हम कभी ये सोचते नहीं मोमेंट किसका है या फिर क्या होता है, और ज़्यादा ओवर थिंक हम करते नहीं है मैच के, मैच को लेकर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट 10 मैच में किया था सेम प्रोसेस था, सेम एटीट्यूड था, सेम स्किल एग्जीक्यूट करने देख रहे थे, सेम प्लानिंग के साथ जा रहे थे। मैं फिर से वही कहूँगा कि एक बैड डे हो सकता है और वो शायद हमारा पहले फाइनल पहले था। 4 मैच में बाहर रहे आप टीम से, तब क्या आप दिमाग में चल रहा था, क्या सोच रहे? यार मेरी अप्रोच एक ही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसी चीज़ है, क्योंकि आपके जो 15 हैं, मेरे साथ अश्विन भी बाहर थे, तो अगर 600-700 विकेट लेके बेंच पे बैठा तो टीम की क्या कैपेसिटी होगी आपको आइडिया लग जाता है। तो वहाँ पे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा बंदा क्या करेगा क्या नहीं कर रहा, ये खेल रहा है मैं नहीं खेल रहा हूँ, कभी आज तक वैसे मन में आया नहीं है ये सवाल। मैं हमेशा यही चाहता हूँ अगर मैं बैठा हूँ और कोई 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो वो अच्छा ही करके आए, टीम के लिए बेटर करके आए, टीम को जिता कर लाएं, वो हमारा मेन गोल रहता है। सेम भाई, एक क्या फोटो बहुत कारण वायरल रहा हो हो रहा रहा है है जो रन 240 ऑस्ट्रेलिया? तक ही आ पाए, क्या पिच की कमी मानी जाए इसको? दोबारा पूछो। क्या कारण रन रहा कि स्कोर जो जो कम रहा, स्कोर स्कोर जो कम रन रहा, का कम रहा है, या पिच की कमी मानी जाए इसमें, या फिर जो प्रदर्शन करना था, जैसे आस और उम्मीद तमाम आवाम को आप लोगों पर लगी देखिए थी, तो उसके लिए क्या संकेत है आपकी तरफ से? बहुत सारी चीज़ें काउंट, टेक्निकली अगर आप देखना चाहें तो डे जी नाइट मैच में हमेशा बैटिंग शाम को अच्छी होती है, पिच स्लो हो जाती है, वो सब चीज़ें काउंट तो आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि वो टेक्निकल हैं। तो अगर सामने वाली टीम जीतती है टॉस और वो बैटिंग को हमें इनवाइट करती है तो हमें बैटिंग करनी ही होगी, तो वो एक हो सकता है कि हाँ वो उन लोगों को एक बेनिफिट है। सेकेंड की रन आपने देखा ही है कि 240 रन फाइनल में एक ऐसी टीम के अगेंस्ट, मेरे हिसाब से 30-40 रन और बनते तो मैच में और ज़्यादा मज़ा आता, हो सकता है रिजल्ट हमारे फेवर में होता। तो क्या पहले पहले खेलना जो है वो हार की बड़ी वजह है? यार वो हमारे हाथ में नहीं था क्योंकि हम टॉस जीते नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला अगर बॉलिंग करना चाहता है तो वो टीम भाई को जो बॉलिंग आप करनी भाई एक पड़ेगी। फोटो वायरल हो रहा है वो, कि वर्ल्ड कप पे पैर रखे हुए हैं। यार मुझे ये चीज़ बहुत, मुझे भी हर्ट हुई है क्योंकि जिस ट्रॉफी के लिए कंट्री की सारी टीमें लड़ती हैं, जो अचीवमेंट कर आप पाना चाहते हैं, जो ट्रॉफी आप अपने हाथों में सर के ऊपर उठाना चाहते हैं, वो ट्रॉफी पैर पर लगाना वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। संजय जो भाई, मैच जब आपने प्रधानमंत्री से खेले आपकी मुलाकात, हमारी सरजमी पे मैच हो रहा था, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से आप लोगों का जो क्या बात हौसला हुई, अफजाई क्या थी बात, क्या वो हुई, आपके ये उठाने आप पर मुझसे याद किया? सुनना चाहते हो? आपको वीडियो भी सोशल मीडिया पर घूम रही है, ऑडियो के साथ घूम रही है, आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे उन्होंने सबका साहस बढ़ाया है, कैसे उन्होंने सबसे मुलाकात की है, ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को क्योंकि प्रधानमंत्री का आना एक छोटी चीज़ नहीं। आपने 7 विकेट लिए थे संजय भाई, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ, शानदार आपका प्रदर्शन था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने आपको कुछ कहा? हालांकि सौगात मिल गई है, योगी सरकार ने आपको दे दी है। देखिए मेरी हमेशा कोशिश यही है कि कंट्री के लिए बेटर करते रहें और अच्छा करते रहें, टीम जीतती रहे, और मेरा यही कहना है कि सब लोगों को अपना 100% देते रहो, कंट्री को जिताते रहो। सौगात की तो हम कभी नहीं सोचते हैं, सौगात ये दी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्टेडियम मिला है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए, उसके उसमें से कोई ना कोई प्लेयर बाहर निकल कर आना चाहिए, उस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए। भाई फाइनल भाई मैच से आपने पहले एक ही मैसेज दूंगा कि जो जो आपके अंदर टैलेंट है आप उसको पहचानें, मेहनत करें, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो आप लोगों को भी पता है कि कैसी फैसिलिटीज़ थी या यहाँ पे क्या था, बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ से ये अचीव किया है। अब अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो बस आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, तो यही कहूँगा कि आप फोकस करें और हार्डवर्क करें, हमेशा रंग लाती है, आपको पता ही है, सब लोगों का कहावत में भी यही है, तो मेहनत तो आप घर पे करो बाहर करो, मेहनत अगर करोगे तो शायद रंग तो लाएगी। ठीक है।